हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख ही पा रहे होंगे, मेरे बहुत ही खूबसूरत हिबिस्कस यानी कि अड़हुल के पेड़ को देखिए। आज जनवरी 18 है 2019, लेकिन फिर भी कितनी बेहतरीन तरीके से खिला हुआ है दोस्तों। ज़्यादातर जो अड़हुल होते हैं वो ठंडियों में खिल नहीं पाते हैं। कारण ये होता है कि उन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम ठीक से मिलते नहीं हैं, और उन्हें सनशाइन भी चाहिए होता है, लेकिन लेकिन वो सनशाइन उन्हें ठीक से मिल नहीं पाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है कि ये बहुत ही छोटा पेड़ था। अब इसकी साइज़ को तो देखिए आप, यहाँ से नीचे से लेके बस एक सालों में इतना बड़ा हुआ है। आप जान गए होंगे कि इससे इसको कितना नाइट्रोजन मिलता होगा, फॉस्फोरस और पोटासियम जितना चाहिए उतना आराम से मिलता है इससे। और देखिए, और भी बहुत सारे बर्ड्स आ रहे हैं, ये देखिए एक एक में पांच पांच बर्ड्स इस तरह। मतलब ये बहुत ही अच्छी और हाई क्वालिटी का है हिबिस्कस है दोस्तों। देखिए इस तरह भी ये कल कल परसों तक खिलेगा। यहाँ देखिए ये भी कल परसों तक खिल जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर ये भी कल परसों तक, ये भी कल परसों तक। देखिए मतलब आप माँ सोच भी नहीं सकते कि कितने हाई क्वालिटी का है ये। तो इसी तरीके का और मेरे पास वैरायटी है जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। तो देखिए ये उसी सेम वैरायटी का है जो कि मैंने गमले में लगाया हुआ है। और ये जो है ये रोज वैरायटी का हिबिस्कस है, रोज की तरह फलता है, गुलाब फूल जो होता है उसकी तरह फलता है ये। लेकिन अभी इसमें गर्मियों में ही इसमें फ्लावर्स आना स्टार्ट होंगे, अभी नहीं होंगे। लेकिन इसे जितनी हाइट चाहिए, जितना बड़ा गमले में चाहिए, जितना मतलब जितना गमले में बड़ा होना चाहिए उतना हो चुका है। और ये भी मेरा है विस्कस है, और मैंने वही रोज वैरायटी का है विस्कस जो है ये देखिए साइड साइड पे लगाया हुआ है, साइड साइड पे मैंने लगाया हुआ है। तो आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जहाँ तक बात है हिबिस्कस को कटिंग से लगाने की, तो मैं ऑलरेडी अपना वीडियो डाल चुका हूँ हिबिस्कस को कटिंग से कैसे लगाना है। तो आप उसको मतलब देख सकते हैं उस वीडियो को, और जान सकते हैं मैंने येलो, रेड, ऑरेंज हिबिस्कस को लगाना ऑलरेडी बताया हुआ है। इवन मैंने रोज़ हिबिस्कस को भी कटिंग से कैसे लगाना है ये बताया हुआ है। तो इतना मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो को आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पसंद ही किया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस का मतलब बनाकर दे सकूं। तो इसी के साथ मैं हिबिस्कस की इस वीडियो को एंड अप करता हूं। अब मिलेंगे हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।